नाज़रीन यकीनन जब आपने पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 की किट देखी होगी तो आपको बहुत खुशी हुई होगी, आपको एहसास हुआ होगा क्या कमाल खूबसूरत सी जो है वो जर्सी तैयार की गई है, जिसमें से लिटरली एक पेट्रियाटिज्म नज़र आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान को चाहने वाला होगा तो वो इस जर्सी को देखकर उसके जो है ना वो एक आपके अंदर से एक जो है ना वो खुशबू आने लग जाती है आपके कंट्री की, आपके वतन की, मिट्टी की। जब आप ऐसे खूबसूरत सी चीज़ें देखते हैं, हरियाली और पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जो है वो आपका सर फख्र से बुलंद कर देता है। तो मैं मतलब आज इतनी एक्साइटेड थी जब मैंने कल ये चीज़ देखी, और बहुत ज़बरदस्त था इसका उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जिस तरह से पोस्टर तैयार किया है, जिस तरह से हमारे सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो देखकर हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तो जीतना ही चाहिए, चाहे मैच कहीं पर भी हो, किसी भी मुल्क में हो, लेकिन हमारे प्लेयर्स इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, इनकी इस जर्सी में पिक्चर्स को देखते हुए, यकीन करें दिल से दुआ निकलती है कि इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 2024 की जो ट्रॉफी है वो अपने नाम करे, अपने मुल्क इज्जत के साथ वापस आए। और जैसा मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया था कि $1,00,000 पर प्लेयर को दिया जाएगा, वो उनसे नवाजा जाए और हम वो मंजर देखें। सो नाज़रीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं इस बारे में, देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान आता है नहीं आता है, क्या होता है, बड़ी खबरें इस हवाले से हो रही हैं। और बॉलीवुड में भी नाज़रीन ख्वाहिशात की जा रही हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर से मुलाकात की जाए, पाकिस्तान आया जाए, तो इस बारे में भी बात करेंगे। ज़रा बॉलीवुड का टच भी देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है बॉलीवुड से भी काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाएंगे आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें कॉल पर, लाइव कॉल पर ज्वाइन किया है आपके फेवरेट आमिर नज़ीर साहब, अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बाप कैसी हैं, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे आप सेट पर ही मौजूद है, कोई ज्यादा फासला नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं हाफिज़ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया कि इंडिया भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, जब इसकी बात हो रही है तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी हाफिज़ साहब कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं, लेकिन अभी चैम्पियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात हो रही है, तो इंडिया की जानिब से एक अपडेट आई कि BCCI की तरफ से ये पैगाम आया है कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे जब तक कि हमें हुकूमत इजाज़त दे दे। तो क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये अभी वक्तन फवक्तन आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आएगा तो भारत हमें अपने शहर लाहौर में नज़र आएगा? हाँ, देखें, एक मुश्किल मरहला है और वैसे होना नहीं चाहिए अगर आप इसको देखते हैं इस लिहाज से कि ICC के इवेंट्स में दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, अगर पाकिस्तान भारत में जाता है तो भारत को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और उसकी वजह ये है, अब ये जो बात आपने की है कि क्यों ये सवाल उठा है, ये राजीव शुक्ला साहब जो कि BCCI के नायब सदर भी हैं और उसके साथ साथ वो कांग्रेस के रुकन भी हैं, सियासतदान भी हैं, BCCI के नायब सदर भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फैसला करेगी कि टीम ने पाकिस्तान का सफ़र करना है या नहीं करना है। जब तक ICC चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त होना है उस वक्त तक भारत में एक नई हुकूमत होगी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा वजीर आज़म बनते हैं भारत के, या फिर उनके मुल्क में हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। हाँ। तो ये हुकूमत फैसला करेगी, अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो फिर तो ज़रा हालात मुश्किल होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी गुज़िश्ता दो अदवार हैं जो उनके ये वाला और उससे पिछला, उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात को अच्छे नहीं रहे, मासवाए इसके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सफ़र किया था इंडिया का, और पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया का सफ़र किया। बिल्कुल सही। अब ICC का इवेंट है, उसूली तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में, जो टीम आना पड़ेगा अभी तो गुंजाइश नहीं चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं है। एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं ना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी की पूरी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में अब बहाल हो चुकी है, हालात वो नहीं है 2009 में थे, हाँ, या 10-11 में थे, तो बदल गए, इसलिए अब भारत का के पास कोई जवाब नहीं है। अब नहीं आते हैं क्या होता है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन जब तक आप ये सूरत हाल कि हुकूमत कौन सी होती है, और जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये बड़ा अहम होगा कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले ICC की सतह पर, उनका क्या मौकफ होता है, अगर भारत कहता है नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पर जाना, तो वो ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ।
और वो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने झुकाव रखना है किसी एक तरफ तो वो रखेंगे, लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात हमारे जो कि आज हैं यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के वक्त होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने उसको यकीनी बनाने के लिए जो तमाम तर इकदाम थे, बिलखसूस एक वेन्यू तक उनको रखने की, ताकि हाँ, बहुत ज़्यादा मसला कोई ना कोई तरीका कर वो है। एक है अब बेहतर तजवीज़ है लाहौर में अगर वो रहते हैं, तमाम मेज़बानी के एतबार से, बुनियादी ढांचे के एतबार से बिल्कुल, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर मेरे ख्याल से सब कुछ है, कोई ऐसा तो नहीं है, तफरी वाला शहर समझा जाता है, जहाँ पर लोग दूर से आते हैं वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ ना, लाहौर तो जाना जाता है। भारत की टीम 2000 की दहाई में जब पाकिस्तान आई थी यहाँ पर, मतलब लाहौर में जिस तरीके से पाकिस्तान में वो जहाँ कहीं भी खेलने के लिए गए, हाँ, उनको बहुत शानदार तरीके से खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तानियों को भी भारत में बहुत प्यार किया जाता है, पाकिस्तानी कैरेक्टर्स भी जब जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी भारतीय खिलाड़ी जब आते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको खुशामदीद कहा जाता है, लोग बहुत खुले दिल के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था यहाँ पे 2000 की दहाई में, हाँ। तो पाकिस्तान ने तो हारने के ऊपर भी आतिशबाजी की थी, पाकिस्तान सीरीज़ हारा था लेकिन उस सीरीज़ हारने पर भी कदाफी स्टेडियम में आतिशबाजी हुई थी। इससे ज़्यादा आप जो मेहमान नवाजी है वो क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मुखालिफ टीम को, और वो भी भारत जैसी मुखालिफ टीम को जिसके जिससे शिकस्त पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते ना, उसकी शिकस्त उसकी फतह को भी सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, एक खुशी का इजहार किया गया था, चूंकि क्रिकेट बहाल हुई थी दोनों मुल्कों के माबैन, हाँ। तो फतह और शिकस्त से हटकर एक जो आपके खैर सगाली के जज्बात होते हैं, जो मेहमान नवाजी के आपके अंदाज होते हैं, आदाब होते हैं, और अपने 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 जो मेहमान हैं मेज़बानी के जो आदाब होते हैं अपने मेहमानों का ख्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा कौन कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से पाकिस्तान भारत ये दो ऐसे मुल्क रहे हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है और लोग इन्हें देखना चाहते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनमें मोहब्बत भी बेशुमार होती है। आमिर साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी भी अगला हमारा जो मेन टारगेट होगा वो यकीनन चैम्पियंस ट्रॉफी ही होगा, हर तरफ उसी की बात हो रही होगी, और जो ख़ास ख़ास नज़रें होंगी वो भारत के पाकिस्तान आने पर होंगी, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा लास्ट ओवर जो इंडिया ने 2003 में किया उसके बाद देखने वो हमारे मुल्क में नहीं आए, और आप ये देखिए पाकिस्तान टीम जैसे भी हालात थे ना इंडिया में, उनके जो झगड़े हो रहे थे मुझे उनके फसादात हो रहे थे, फिर भी पाकिस्तान टीम दो ऑर्डर किया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। देखिये बात दरअसल ये दोनों जो अवाम है ना इंडिया और पाकिस्तान की, ये क्रिकेट लवर है, चाहते हैं हमारे तरफ ये है हम उनके मेहमान बने, और ये दोनों कंट्री मेहमान नवाज हैं। अभी याद रखें कि रिसेंटली रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में उसने इंटरव्यू दिया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच को अदर वेन्यू करो अदर गवर्नमेंट चाहे, लेकिन ये गवर्नमेंट अपनी जगह पे रहें, ये अवाम नहीं चाहती कि क्रिकेट ना हो, अवाम तो चाहती है क्रिकेट हो, पाकिस्तान ने भी कह दिया, अगर ये देखना ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, अब पाकिस्तान अगर इंडिया दो मरतबा जा सकता आप भी है, और हमारे क्रिकेट कोच चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको एक आइडिया दिया आईसीसी को कि इंडिया की टीम को एक ही शहर में महदूद कर देंगे, उनकी जो नकलो हरकत है उसको उसको थोड़ा सा शुक्र कम कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही कम कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्लान है। अगर आप देखें हमने लाहौर की बात की है, कराची की बात की है, देखिए मेरा अभी रिसेंटली आप देखिए न्यूजीलैंड की, आप लोग कह रहे थे बी सी टीम आई है, वो देख लो वेस्ट इंडीज कराची में खेल रहा था, 5 T20 दो वर्ल्ड सीरीज खेले हैं वो, देखिए हमने उनको उनको सतर की जैसी की फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी है, हमारी एजेंसियां जो हमारी फोर्स में है बड़ी मेहनत की है एजेंसियों ने, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक पक्का था कि इंडिया को आना पसंद नहीं करता था, आप देखें इंग्लैंड यहाँ पे आके चला गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, यानी कि तमाम वुमेन क्रिकेट आगे भी चली, और फुटबॉल शो यानी कि हॉकी की तमाम टीमें जा रही, इसका मतलब है कि आईसीसी भी कई मरतबा है, और इनके जो एजेंसियां आती हैं, बंदे आते हैं जो अदर कंट्री के, वो पहले अपना सिक्योरिटी फर्म भेजते हैं, वो सारा आगे यहाँ पे जायजा लेते हैं, फिर जाके वो ओके करते हैं, फिर जाकर बिल्कुल ऐसे ही है कि उसकी सिलेक्शन की जाती है, फैसले किए जाते हैं। देखिए मेरा कहना है कि हमें अभी अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अभी 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 5-6 साल है अभी बाकी, मगर ये है कि मेरी तो ख्वाहिश यही है कि इंडिया पाकिस्तान है और अपने मैच खेले और खैरियत से जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, कमिंग टू यू अगेन,
कि मैं देख रही थी कि मेरे पास एक उड़ती उड़ती खबर आई जिसकी अभी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी डिटेल्स आएंगी मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करूंगी। अभी इनिशियली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ भी कि शाहरुख खान जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ना बने या शायद बन भी जाएँ, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से जो हालात होते हैं शायद वो ना जाएँ, लेकिन उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स से मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान आए, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली कि जैसे ही पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो अगर आप ये देखें, क्या मुराद है मीरब आए ना, अगर भारत आता है चैंपियंस ट्रॉफी नहीं नहीं, ये तो कोई उनको कहना चाहिए कि पाकिस्तान जाएं। अगर शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो आए पाकिस्तान, तो उनके कहने से वो आ जाएंगे। देखिए बात ये, उनका कहना, उनके आना ना आना एक अलग बहस है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया की टीम अगर हर्ज कर ले नहीं आती ना, पहले तो वो सबसे ये कहे ना अपनी अपनी हुकूमत को कहेंगे इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजा जाए, तो उनके कहने से वो भेज देंगे। देखिए ना भेजे यार उन, देखिए बात ये है ना भेजे उनके कहने से, वो तो ये कह सकती है ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारे कहने कि इंडिया को आना चाहिए, तो हमारे कहने पर उन्हें भेजना है, हमने तो अपनी राय देनी है ना, हमारा मुल्क तो तैयार है उनको हमने सर्व करने के लिए। तो शाहरुख खान को भी मैं रास्ते ही बता रहा हूँ ना खान साहब को, कि कैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिला जाता है। जो आपने खबर बयान की है तो उस खबर के हवाले से ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, भारत से हजारों लोग आएंगे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए, उनमें शाहरुख खान साहब भी तशरीफ लाएं पाकिस्तान, यहाँ पर लाहौर आए, और पाकिस्तान उनके लिए कोई अनजान तो नहीं है, उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। बिल्कुल हैं, जैसा वो बताते होते हैं अक्सर कि कश्मीर में, कश्मीर से उनका काफ़ी ताल्लुक रहा और वो वहाँ पर जब भी जाते थे तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ उस थ्रू भी कनेक्ट होते थे, क्योंकि रास्ता जो है वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। लेकिन हाफिज़ साहब, आपने मेरा सवाल पूरा सुना ही नहीं है, मैं आपसे एग्जैक्टली उसके बाद यही बात करना चाह रही थी कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी, यानी कि जो कि आप कह रहे हैं कि होनी ही चाहिए, चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और भारत यहाँ पर आता है, तो